अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस संग्रहालय का लोकार्पण हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है और हम सब झारखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। माननीय की प्रेरणादायी उपस्थिति हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। सर नमस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ रांची से जुड़े झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अन्नपूर्णा देवी जी, रघुवर दास जी, झारखंड सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर के मेरे आदिवासी भाई और बहन, विशेषकर झारखंड के मेरे साथी जोहार, हागा ओडो मिसिको, दिसुम रेया आजादी रेन, आकिलान मारग होड़ो, महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी, ताकिना जोनोम नेगरे, दिसुम रेन सोमेन होड़ो को, आदिवासी जोहार। साथियों, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाए। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनित अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को, भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा।
इन आड़ी गोरो इन बुजाव एदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हार जाना महा 15 नवंबर हिलोक जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाए मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को देश के कोने कोने में सभी आदिवासी भाइयों बहनों और हमारे देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा हूं, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना की एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। साथियों, आज के ही दिन हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धे अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप, त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। कुछ समय पहले मैंने जनजातीय समाज के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को संजोने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना का आह्वान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज आदिवासी संस्कृति से समृद्ध झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। मैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूं। ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में
आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कानू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही, उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथियों, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम पर तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्द गुजरात के राजपीपला में, आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, केरला के कोझिकोड में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मणिपुर के तामेंगलोंग में, मिजोरम के केलसी में, गोवा के पोंडा में हम इन म्यूजियम को साकार रूप स्वरूप देते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। इन म्यूजियम से न केवल देश की नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इनसे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ये म्यूजियम आदिवासी समाज के गीत, संगीत, कला, कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैंडीक्राफ्ट और शिल्प, इन सभी विरासतों का संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के, स्वराज के मायने क्या थे? भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि ये समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया। नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही यह ताकत थी जिसने जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को
मुंडा भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया। ये लड़ाई जड़ जंगल जमीन की थी, आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी। और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था। इसलिए मैं समझता हूं जनजातीय गौरव दिवस समाज को सशक्त करने के इस महायज्ञ को याद करने का भी अवसर है, बार बार याद करने का अवसर है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान जीत, उल गुलान जीत हार के तात्कालिक फैसलों तक सीमित इतिहास का सामान्य संग्राम नहीं था। उल गुलान आने वाले सैकड़ों वर्षों को प्रेरणा देने वाली घटना थी। भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन दिया, अपनी संस्कृति अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वो आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में, हमारे भगवान के रूप में उपस्थित है। और इसलिए आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर महसूस होता है। आदिवासी हुदारेया अपना दोस्तूर एनएम सुयाल को सदैव गोंपे रखा, जो तो न करा, यही काम आज हमारा भारत पूरे विश्व के लिए भी कर रहा है। साथियों, हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। वो उस जीवन दर्शन का प्रतिरूप है जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है। हम उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहते। जिस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही अनगिनत पृष्ठों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है, जिन्हें बीते दशकों में भुला दिया गया था। इस देश की आजादी में ऐसे कितने ही सेनानियों का त्याग और बलिदान शामिल है, जिन्हें वो पहचान नहीं मिली,
जो मिलनी चाहिए थी, हम अपने स्वाधीनता संग्राम के उस दौर को अगर देखें तो शायद ही ऐसा कोई कालखंड हो जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई आदिवासी क्रांति नहीं चल रही हो। भगवान बिरसा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हो या फिर संथाल संग्राम और खासी संग्राम हो, पूर्वोत्तर में अहोम संग्राम हो या छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल संग्राम, फॉर व्हील संग्राम हो, भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। साथियों, हम झारखंड और पूरे आदिवासी क्षेत्र के इतिहास को ही देखें तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला था। सिद्धो कानू और चांद भैरव भाइयों ने भोगना डी से सांथाल संग्राम का बिगुल फूका था। तेलंगा खड़िया, शेख भिखारी और गणपत राय जैसे सेनानी, उमरावसी टिकेत, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर, नारायण सिंह, उत्तरा उराव, जादोन नाना, रानी घाड़िल्यो और राजमोहिनी देवी जैसे नायक नायिकाएं, ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन महान आत्माओं के इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी गौरव गाथाएं, इनका इतिहास हमारे भारत को नया भारत बनाने की ऊर्जा देगा। इसलिए देश ने अपने युवाओं से, इतिहासकारों से, इन विभूतियों से जुड़े आजादी के इतिहास को फिर एक बार लिखने का आह्वान किया है। नौजवानों को आगे आने के लिए आग्रह किया है। आजादी के अमृत काल में इसे लेकर लेखन अभियान चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के युवाओं से, विशेषकर आदिवासी नौजवानों से भी अनुरोध करूंगा, आप धरती से जुड़े हैं, आप न केवल इस मिट्टी के इतिहास को पढ़ते हैं बल्कि देखते सुनते और इसे जीते भी आए हैं। इसलिए देश के इस संकल्प की जिम्मेदारी आप भी अपने हाथों में लीजिए। आप स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, आदिवासी कला संस्कृति को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए नए इनोवेटिव तरीके के भी खोज कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को, अपने इतिहास को नई चेतना दे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। मुझे पूरा भरोसा है भगवान बिरसा के आशीर्वाद से हमारा देश
अपने अमृत संकल्पों को जरूर पूरा करेगा और पूरे विश्व को दिशा भी देगा। मैं एक बार फिर देश को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं देश के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए, इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए, वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए यहां बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, समझना है और जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत आभार बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उद्घोषित करने हेतु। साथियों, ये कदम यहां से उठकर यही थमेंगे नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने का ये शानदार सा काम, बेमिसाल सा काम निरंतर चलता रहेगा। इसी गहराते संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा महोदय से धन्यवाद ज्ञापन हेतु।